भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक देवीशंकर भूतड़ा ने नरेंद्र मोदी सरकार पार्ट टू के पहले वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर भाजपा केकड़ी शहर मंडल के कार्यकर्ताओं से कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार ने देश में आज़ादी के बाद से चल रही धारा 370 ट्रिपल तलाक CAA जैसे नासूर का इलाज कर देश में ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। विश्व के देशों में भारत का सम्मान बढ़ा है। शक्तिशाली देश भारत की ओर आशा की नज़रों से देख रहे हैं। साथ ही उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय निर्माण सहित देश के विकास में सहायक सड़क, बिजली, पानी, रेल और आवास सहित आधारभूत ढांचों के विकास के लिए ऐतिहासिक कार्य किए। किसान सम्मान निधि को सीधे खाता धारकों के सहयोग राशि प्रदान करने पर अन्नदाता का सम्मान करना, कोरोना संकट के दौरान 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देकर देश के अर्थजगत की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने सहित कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के पत्रक का वितरण किया। निकटवर्ती ग्राम लसाड़िया में 15-20 बंजारा लोगों के द्वारा गायों को इकट्ठा करके गाड़ी से ले जाने की गई कोशिश हुई नाकाम। ग्रामवासियों को सूचना मिलते ही पहुंचे मौके पर बंजारों के कब्जे से 100 से भी अधिक गायों को छुड़वाकर पुनः गांव की ओर भेजा गया। निकटवर्ती ग्राम फतेहगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में सोमवार को टिड्डी दलों ने खेतों पर बोला हमला। अचानक आए टिड्डी दल की आवाज सुन ग्रामीण रह गए स्तब्ध। ग्रामवासियों ने स्वयं के स्तर पर टिड्डी दल को भगाने का किया प्रयास। इसके बावजूद भी हजारों बीघा में किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। टिड्डियों ने कपास, ज्वार, रिजगा, मक्का, सब्जी की फसलों को नष्ट कर भारी नुकसान पहुँचाया है। थानमा फतेहगढ़ में टिड्डी की सूचना के बाद तहसीलदार श्रीकांत व्यास पटवारी ग्राम सेवकों को मौके के लिए किया रवाना। कृषि पर्यवेक्षक टीम भी हुई मौके के लिए रवाना। सोमवार सुबह चोरों ने बगेरा रोड पर श्री स्टोन सप्लायर के सामने स्थित मणिहारी की दुकान में लोहे की केबिन का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। केबिन मालिक शबाना बेगम ने बताया कि केबिन में रखे 10,000 रुपये नगद सहित दुकान में रखे करीब 5,000 रुपये की कीमत के सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। बाढ़ एवं अतिवृष्टि की स्थिति होने पर उपखंड अधिकारी ने अधिकारियों के लिए बैठक दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 15 जून तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना किए जाने सहित संपूर्ण ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की निचली बस्तियों में रह रहे परिवारों को सुरक्षित स्थल पर भिजवाने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश।